शांति। सभी दर्शकों का अमूल्य रत्न में हार्दिक स्वागत है। हर इंसान में कमियां भी हैं और विशेषताएं भी हैं। इंसान सदा चाहता है कि उसके जीवन से कमियां दूर हो जाएं, ताकि कमियों को दूर करके वो संपूर्ण बन जाए। परंतु कमियों को दूर करने की प्रक्रिया इंसान की सारा जीवन चलती रहती है और संपूर्ण अवस्था आ नहीं पाती। आज हम आध्यात्मिकता के जरिए, ईश्वरीय महावाक्यों के जरिए अपने जीवन की कमियों को दूर करने के कुछ ऐसे सहज उपाय बताएंगे कि जिसे हम जीवन में यदि ले आए तो संपूर्णता और संपन्नता की स्थिति हम सहज बना सकते हैं। आज हमारे समक्ष हमेशा की तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब उपस्थित हैं। फसब आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। फसब आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर सन 1969 के महावाक्यों के बारे में और इसका टॉपिक है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। फसब आज हर इंसान अपनी लाइफ में जानता है कि उसके जीवन में कमियां हैं, कमजोरियां हैं और वही उसके जीवन के अंदर जो विपरीत परिस्थितियां आई हैं उसका कारण है। उसके बावजूद भी वो उन कमियों और कमजोरियों को दूर नहीं कर पाता। फिर सब महावाक्यों में लिखा है कि यदि आप कमियों को दूर करना चाहते हैं तो संपूर्णता की छाप लगानी है और उसका बहुत सहज से सहज उपाय है। यह बात याद रखनी है कि मैं बिंदु हूँ और परमात्मा भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु, यह बाप और बच्चों का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। सब बिंदु और सिंधु, हम चाहेंगे आप इनको थोड़ा स्पष्ट करें। ये दोनों शब्दों में परमात्मा की और आत्मा की पहचान आ जाती है जी, क्योंकि जब हम बिंदु शब्द कहते हैं हाँ जी, तो बिंदु एक बीज है। जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया रहता, ऐसे जब आत्मा बीज रूप स्थिति में, स्वयं की स्थिति में स्थित होती है तो उसके अंदर सब गुण समाये हुए हैं। परमात्मा बीज बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है और वो सर्व गुणों का सिंधु है, सागर है। उसके अंदर उस बिंदु में भी सारे गुण समाये हुए हैं, लेकिन बीज जब धरती पर पड़ता है तब उसके वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो ये सारे गुण भले आत्मा में समाये हुए हैं, लेकिन जब वो पार्ट में आती है तो उसके कर्म से ही उन गुणों का पता चलता है। तो बिंदु और सिंधु माना आत्मा और उसके गुण। गुणों में वो संपन्न है, स्वरूप है, लेकिन जब बिंदु है तो वो गुण समा गए हैं उसके अंदर। और जब कर्म क्षेत्र पर आई है, शरीर लिया है, तो उसके वो गुण उसकी दृष्टि से, उसके चेहरे से, उसके कर्म से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। कहते हैं तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, तो बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है, बहुत सुख स्वरूप सुखदेव है, सबका सबको सुख देता है। तो ये जो आत्मा के गुण हैं वो सिंधु की तरह उसमें समाये हुए हैं। परमात्मा के गुण भी उस बिंदु में सब समाये हुए हैं, लेकिन जब वो इस सृष्टि पर साकार में अवतरित होते हैं और काया प्रवेश करते हैं तो उन गुणों का अनुभव बच्चों को कराते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो इतना अथाह ज्ञान दिया है, ये जो ज्ञान ज्ञान सागर द्वारा हम सबको मिला है बीज का ज्ञान, बीज में, लेकिन उस बीज रूप परमात्मा ने जब ज्ञान दिया तो कहते हैं अगर इसको लिखने के लिए साक्षात सरस्वती भी बैठे, पूरा सागर स्याही बना दिया जाए, पूरे जंगल को कलम बना दिया जाए, फिर भी इस ज्ञान को लिखा नहीं जा सकता, इतना अथाह ज्ञान है। मतलब इसकी स्मृति से जी हमारी संपूर्ण अवस्था का क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है क्योंकि यही गुणों की कमी के कारण सब कमियां आई हैं। अगर मैं प्रेम स्वरूप के स्थिति में रहूं तो जो हम आपस में टकराव की स्थिति बनती है, गुस्से की स्थिति बनती है, वो कमियों का कारण है जी। तो आत्मिक स्थिति में, बीज की स्थिति में स्थित होने से उसके सर्व दिव्य गुण इमर्ज रहते हैं और उसकी विस्मृति से देह मान आता है और देह मान सब अवगुणों की खान है।
तो इसलिए जब वो आत्मा बिंदु भूल जाता, वो गुण भूल जाते, तो देहिक आकर्षण के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कर्म इंद्रियों से गलत कर्म होने लगते, वही कमी बन जाते। कमी क्या है? आज कमी है देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना, उसके अंदर किसी आत्मा को दुख पहुंचना, यही तो कमी आ गई। हाँ जी। हमारी कोई एक्शन किसी को दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके कारण, कमियों के कारण हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलन नहीं मना सकते, समीप नहीं रह सकते, कार्य व्यवहार में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। कमियां व्यक्ति को परेशान कर रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो बिंदु स्वरूप में स्मृति में भी रहता है कि मैं आत्मा बिंदु हूँ और मेरे अंदर ये गुण सब समाये हुए हैं, जी, तो उसकी स्मृति से ये जो कमियां आई हैं दैहिक भान से, वो सब समाप्त हो जाती है और आत्मा अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकती है। संपूर्णता ये है, संपूर्णता की एक डिग्री है जी, जिसको कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये हमारी डिग्री है और इस डिग्री तक पहुंचने के लिए, उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सर्व कलाएं आ जाएं, सर्व गुण आ जाएं, आत्मा संपूर्ण निर्विकारी पावन बन जाए, उसके लिए अपनी आत्मिक स्थिति को, बिंदु स्वरूप की स्थिति को बढ़ाना है। और बिंदु से, बिंदु में जो सिंधु है माना गुण समाये हुए हैं, उनकी स्मृति को कर्म क्षेत्र पर कार्य में लाना है। इसलिए बिंदु और सिंधु, अगर ये दो स्मृति रहती हैं तो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए वो गुण दिखाई देते हैं, और जब गुण दिखाई देते हैं तो कमियां समाप्त हो जाती है और संपूर्णता की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। और इसमें एक और एग्जाम्पल परमात्मा ने दिया कि जब आगे बढ़ते हैं, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो पहले बिंदु सिखाते हैं जी, और फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और अल्फ सिखलाते हैं, तो ये भी एक बिंदु है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जब एक कहते हैं तो वैसे इंग्लिश में जब एक लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं जी, लेकिन जब एक की शुरुआत करते हैं तो पहले बिंदु लगाते हैं। हाँ जी। अब फुल स्टॉप जिसको हम कहते हैं, तो फुल स्टॉप एक सीधी लाइन भी है, लेकिन इंग्लिश में लिखते लिखते फुल स्टॉप लगाना माना बिंदु लगा देना। तो जब हम उस बिंदु स्वरूप स्थिति में रहते हैं जी, तो सर्व गुण हमारे अंदर इमर्ज रहते हैं। हाँ जी। और उन सर्व गुणों के इमर्ज रहने से कोई भी कर्म हमसे विकर्म नहीं हो सकता, गलत कर्म नहीं हो सकता, कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जब एक की याद में रहते हो, एक की याद है, परमात्मा की याद है बिंदु स्वरूप की स्थिति से, क्योंकि परमात्मा बिंदु है, तो हमारी मत एक हो जाती, क्योंकि हम सब एक के बच्चे हैं, स्थिति एक रस हो जाती, चलन के अंदर एकता आ जाती, माना हम सब एक पिता के बच्चे हैं। तो एक की स्मृति, एक ही शब्द की स्मृति एक रस स्थिति बना देती, एकाग्रता बढ़ा देती, एक मत हो जाते, एकांत प्रिय हो जाते, सब में एक आता है जी। एक बाबा, एक परमात्मा, हम सबका पिता बिंदु है, और बिंदु अगर एक के साथ जोड़ा जाता है, मानो एक ऐसे आपने लिखा, उसके साथ एक बिंदु लगा दिया तो 10 हो गया जी, फिर 2 लगा दिया तो 100 हो गया, 3 लगा दिया तो 1000 हो गया। तो परमात्मा कहता है कि एक की स्मृति रखो और बिंदु स्वरूप की स्मृति रखो, बिंदु है वो, एक बिंदु है, तो उस एक की स्मृति से आप बच्चे एक मत हो जाओगे, क्योंकि एक की राय पर ही मुझे चलना है, हम एक के बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है हमारा, इस सब परिवार में एकता तब रही, हम एक तभी बन सके जब हम एक को देखते हैं, कि हमें एक को प्रत्यक्ष करना है, उसने हमें इतनी पालना दी है, उसने हमें इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, उसने सबको सेलेक्ट किया है, तो एकता बनी रहती है।
अगर विचार नहीं भी मिलते, संस्कार नहीं भी मिलते, तो भी हमको एक की स्मृति से मिलाना पड़ता है, मिला के चलते हैं कि हम सब एक के हैं, और एक की स्मृति ही कई प्रकार के संस्कारों के टकराव से हमें मुक्त कर सकती है। नहीं तो संस्कार आपस में टकरा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए लिखा है कि अगर विस्तार में जाना है तो सिर्फ सेवा के प्रति जी, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक जी। तो भाई साहब इसमें ये भी लिखा है कि सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जीरो और वन जी, ये दोनों चीजें यदि हम स्मृति में रखें, बिंदु और सिंधु, तो फिर बहुत ही इजीली हम हर कार्य को ना कमियां समाप्त होती जाएंगी जी। कमियों का कारण है भिन्नता, संस्कारों की भिन्नता है, स्वभाव में भिन्नता है, कर्म में भिन्नता है, और जब हम एक के हैं, एक को प्रत्यक्ष करना है, एक की याद में रहना है, एक ने जो कहा उसकी मत पर चलना है जी। एक को सामने हम रखते हैं, गोल हमारा बाबा है, परमात्मा है, और उस गोल के आधार से हम सब मिल करके चल रहे हैं। तो वैसे भी लोग कहते हैं आपके ड्रेस एक जैसी है, आपकी वाणी एक जैसी है, आपका ज्ञान एक जैसा है, आपका खान पान एक जैसा है, उसमें भी एकता है। बिल्कुल, फिर भी भाई साहब बात आती है, महावाक्यों में भी लिखा है कि कर्म बंधन जी, एक तो कर्म बंधन है, फिर हमारे अलग अलग संस्कार हैं, पिछले जन्मों के अंदर हमने जो कुछ भी जिसके साथ कर रखा है, कई बातें आ जाती हैं। फिर इसमें तीन चीजें लिखी हैं, संस्कार, कर्म बंधन और वर्तमान की भूलें। जो कुछ भी होता है उसका मूल कारण परमात्मा ने स्वयं कहा कि विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। तो सब ये प्रैक्टिकल है कि अपने अंदर जो कुछ भी आता है, मतलब हम जानते हैं, इस ज्ञान को भी समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। कर्म करते हुए आपस में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, भूलें क्यों होती है वह सब? वास्तव में हम सब संगठन में रह रहे हैं जी, एक नेचुरल स्मृति रहे कि हम एक पिता के बच्चे हैं, आत्मा रूप में भाई भाई हैं, और शरीर के संबंध में भाई बहन है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता है, उसके अलौकिक बच्चे हैं हम। तो ये जो स्मृति है इसको रिवाइज करना पड़ेगा। कई बार हम कोई भी बात को एक बार सुन लेते हैं, रिवाइज नहीं करते, इसलिए भूल जाते हैं। पढ़ी हुई बात भी अगर हम कोई को सुनाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो स्मृति पक्की हो जाती है। सिर्फ सुन लिया, ध्यान नहीं दिया, तो एक दो घंटा स्मृति रहेगी, फिर बाद में भूल जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से, एकाग्रता से सुना, और सुनने के बाद उसका अभ्यास किया तो स्मृति पक्की हो सकती है जी। लेकिन विस्मृति का कारण यही है कि हम उसको रिवाइज नहीं करते जी, जी, जी। बार बार भान लाना पड़ता है कि ये हमारी कौन सी जीवन है, मुझे किसने ऐसी श्रेष्ठ जीवन दी है, उसकी स्मृति रिवाइज करना। इसलिए ही तो ये पढ़ाई है, एक दिन पढ़ लिया, आठ दिन नहीं पढ़ा, याद कैसे रहेगा? बिल्कुल, इसलिए हमारी रेगुलर पढ़ाई है। हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर एक दिन भी हॉलीडे नहीं होती, उस स्कूल में तो फिर भी हॉलीडे हॉलीडे होती है, त्योहारों की हॉलीडे होती है, यहाँ तो संडे भी हॉलीडे नहीं होती जी जी जी। कि रोज की पढ़ाई है, और रोज अगर हम पढ़ाई करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी याद, हमारी स्मृति पक्की हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहे हम तो 15 दिन में एक बार पढ़ लिया, तो क्या होगा, भूल जाएगा वो तो। बिल्कुल, तो रिवाइज करना, उसको अध्ययन करना, दूसरों को सुनाना। और हमने तो एक और अच्छी विधि अपनाई है जी, कोई बात हम सुनते हैं, चिंतन में लिया, और चिंतन के बाद हम उसको अपनी डायरी में लिख लेते हैं। तो लिखने से क्या है, वो स्मृति को हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक आदत अगर बन जाएगी जी जी, कोई जी। अच्छी बात हमको लगी, हाँ जी, मानो आप एपिसोड से कोई अच्छी बात ले रहे हैं, हाँ जी, और अपनी डायरी में एक लाइन में, दो लाइन में लिख लिया, इस तारीख को हमने ये सुना, तो 4-5 दिन के बाद भी अगर आप नहीं याद आ रहा है, डायरी देख लिया, बिल्कुल, फिर से वो दृश्य और पूरी बात याद आ जाएगी जी। तो स्मृति में रहने के लिए बहुत अच्छे साधन अपनाने पड़ते। बहुत सुंदर भाई साहब, तो प्रैक्टिकली होता है ऐसे, क्योंकि इंसान चाहता तो है कि इन सब चीजों को बार बार स्मृति में लेकर आए, और ये विस्मृति ही इंसान की संपूर्णता की
अवस्था से उसको दूर कर देती है। और इसीलिए लिखा है कि जो लक्ष्य लेकर आए हैं कि स्मृति संपूर्ण विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत विघ्न है और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता है, दो बातें हैं। तो अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाएं तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। बस अब इसका एक और एग्जांपल लिखा है कि यदि स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। और ये इसके लिए अलौकिक ड्रिल परमात्मा ने बताई। और अलौकिक ड्रिल जितना हम करते हैं उतने तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आ सकती और शक्ति स्वरूप रहते हैं। भाई सब इस ड्रिल को परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा खुद ड्रिल मास्टर हैं और हमें ड्रिल सिखाते हैं। हम चाहेंगे इस ड्रिल के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। स्मृति और विस्मृति की जी, परमात्मा हम सबको कई प्रकार से आत्मिक स्थिति बनाने का अभ्यास सिखा रहे हैं। हाँ जी, स्मृति के दो अर्थ हैं। एक तो जो पास्ट में हमसे अच्छे अनुभव हुए उनकी भी स्मृति कायम रहती है, मेमोरी जिसको कहें, अंदर भर गई है। हाँ जी। और दूसरा स्मृति माना याद, परमात्मा की याद। एक परमात्मा की याद वो स्मृति है और दूसरी पास्ट में जो भी घटनाएं घटी अच्छी या बुरी वो भी एक छाप के रूप में मेमोरी के अंदर चली गई है। जी। तो भी कई बार वो स्मृतियाँ बीच बीच में आती हैं। तो जो नेगेटिव स्मृतियाँ हैं उनको स्टॉप करना है, जो अच्छे अनुभव कभी हुए हैं वो स्मृति आती है तो उनको रिवाइज करना है। तो ये ड्रिल चाहिए, एक ये ड्रिल है। और दूसरी ड्रिल, ड्रिल मास्टर हमको सिखाता है, एक सेकेंड में परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ, देह और देह की दुनिया को विस्मृत कर दो, तो जो अंधकार आ गया बुराइयों का विकारों का ये अंधकार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अपने स्मृति स्वरूप में अपने आत्मिक स्वरूप में जब आप स्थित हो गए जी, परमात्मा की याद जैसे जागृत अवस्था है, दिन है, सूर्य है, और जब उस स्थिति में हम बैठ गए तो जो हमारे जीवन में अंधकार है, बुराइयां हैं, संस्कार हैं, स्वभाव हैं, वो सब अंधकार जैसे चट गया। जैसे एक छोटा सा दीपक अगर किसी बंद कमरे में जला दिया जाता, हाँ जी, कितना भी गहरा अंधकार है वो एक छोटा सा दीपक उस अंधकार को भगा देता है। ऐसे ही जब आत्मिक स्वरूप का दीपक जलता है, जब हम उसमें स्मृति में टिक जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो वो दीपक जलते ही जो देहाभिमान का अंधकार भाग जाता है, बिल्कुल बुराइयां खत्म हो जाती है। हाँ जी। तो इसलिए परमात्मा कहता है ड्रिल करते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ, मेरा पिता परमात्मा भी उसी रूप में है। तो ये जब ड्रिल करेंगे ड्रिल मास्टर की तरह, जैसे ड्रिल मास्टर कहता है अप डाउन, हाथ नीचे ऊपर कराता जी, है जी, जी। पैर नीचे ऊपर कराता है, तो ऐसे ही ये ड्रिल है आत्मा की, कि शरीर से अलग हो जाओ, फिर शरीर में आ जाओ, फिर ऊपर चले जाओ बुद्धि से। हाँ जी। तो ये ड्रिल करते करते हम देह मन से मुक्त हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है माइंड के अंदर और पावरफुल बन जाता है। जी जी, बहुत सुंदर भाई साहब। उसमें लिखा है कि परखने की पावर इसी ड्रिल से आ जाएगी जी। और साथ में एक और बहुत सुंदर बात लिखी है भाई साहब कि हर एक में ये उमंग और निश्चय होना चाहिए कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएं। साथ ही एक संगम के बारे में परमात्मा ने बोला कि गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है। सब किस संगम की बात की जा रही है इसमें? वास्तव में भक्ति में भी जी जो संगम गाया हुआ है, हाँ जी, जिसको हम कुंभ कहते हैं, संगम कहते हैं, जैसे प्रयाग है इलाहाबाद, तो वहाँ पर गंगा और यमुना दो नदियाँ मिलती हैं जी। तीसरी कहते हैं गुप्त है सरस्वती। हाँ जी, हाँ जी। और उस स्थान का बड़ा महत्व रखते हैं, वहाँ पर स्नान करेंगे, वहाँ पर पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। मैं भी गया हूँ प्रयाग में जी, नाव में लेके जाते हैं जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा की एक तरफ धारा है, एक तरफ यमुना की है। हाँ जी। बहुत वहाँ खड़े होकर के बहुत दान पुण्य कराते हैं, बहुत पूजा करते हैं, वहाँ स्नान का बड़ा महत्व रखते हैं। तो दो नदियों के मिलने के संगम को महत्व दिया है, ये तो स्थूल हो गया। हाँ जी। इसमें तो शरीर स्वच्छ हो सकता है, आत्मा को पावन कैसे बनाएंगे? बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है ये संगम आत्मा और परमात्मा का मिलन, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां, इन दोनों का मिलन ही संगम है। और इस संगम पर अगर कोई संकल्प किए जाएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य बन जाएगा।
इस योग के अंदर जी, मिलन के अंदर, योग को मिलन भी कहते हैं, तो ये संगम एक अलौकिक संगम है, सागर और नदी का संगम है जी। इसका भी गायन है, कलकत्ता के पास सागर और नदी मिलती है, गंगा नदी मिलती है, उस पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है जी जी जी। तो भक्ति काल के अंदर यादगार में स्थूल रूप ले लिया है, लेकिन संगम युग पर इस समय परमात्मा जब बच्चों के बीच में आते हैं तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को सच्चा संगम कहा जाता है। बहुत सुंदर। और इस संगम समय पर ज्ञान स्नान करने से आत्मा पावन बन जाता है। सब यदि अव्यक्त महावाक्यों में हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा ने हिसाब किताब की बात की है, लिखा है कि कहां कहां हिसाब पूरा न करने के कारण जहां प्लस यानी जमा करना है वहां माइनस यानी घटना कर लेते हैं, जहां माइनस करना है वहां प्लस कर लेते हैं, और इसीलिए स्थिति डगमग होती है। भाई साहब ये प्लस और माइनस इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। जैसे पढ़ाई के अंदर भी जब गणित हम पढ़ते हैं जी, तो जब हम प्लस करते हैं तो जुड़ता जाता है, हाँ जी, माइनस करते हैं तो कम होता जाता जी, है। ऐसे ही परमात्मा हम सबको ये गणित सिखा रहा है, हाँ परिवार में रह रहे हो, संबंध है, कोई बहुत आवश्यक संबंध है, उनमें जोड़ना पड़ता है, हाँ जी, लेकिन कई जरूरी नहीं है, फिर भी लेन देन करते करते, बातें करते करते उनसे भी जोड़ते जाते हैं, जरूरत नहीं है, उनको माइनस करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का जितना विस्तार होगा उतना मेडिटेशन में तकलीफ आएगी, इसलिए माइनस और प्लस का हिसाब परमात्मा सिखा रहे हैं। एक बहुत सुंदर हिसाब उन्होंने बताया कि बुद्धि योग से जो लगाव है वो तोड़ दो, निभाने के हिसाब से सबके साथ संबंध जोड़ लो, निभाने की मना नहीं है, अभी रचना रची है, बच्चे हैं उनको पालना देनी है, उनको बड़ा करना है, पढ़ाना है, उनको अपनी पोस्ट तक, कमाई तक, जो शरीर निर्वाह कर सकें वहां तक आपको ले जाना है, तो संबंध है, जोड़ करके रखना है, लेकिन जब वो अपने पांव पर आ जाते हैं, अपनी बुद्धि उनकी डेवलप हो जाती है, फिर भी आप उस पर अधिकार रखो, जोड़ते रहो उसके संबंध, तो वहाँ टकराव पैदा हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए जरूरी है कि जब वो अपनी समर्थि में आ गए, समझ उनकी डेवलप हो गई, तो उनको निराधार करना चाहिए, ज्यादा माता पिता को उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जोड़ते रहेंगे संबंध, अधिकार रखेंगे, और फिर अधिकार अगर उनकी बात को नहीं माना गया, बच्चों ने नहीं माना, परिवार ने नहीं माना, तो वहाँ डिस्टर्बेंस आती है। इसलिए जहाँ हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन जहाँ पर अधिकार आता है उस अधिकार को माइनस करना है, सब पर अधिकार नहीं रखा जा सकता। भाई सब इंसान जब गृहस्थ में रहता है तो कई तरह की बातें सामने आती हैं, इंसान ईश्वरीय नियमों पर चलना चाहता है लेकिन परिवार के अन्य सदस्य बच्चे उन पर नहीं चलना चाहते, ऐसे में उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई चीज़ डाली जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, ऐसे में इंसान जो ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा है वो तो उन्हें अच्छे मार्ग पर लाना चाहता है लेकिन बच्चे उस चीज को नहीं अपनाना चाहते, इसमें तोड़ना और जोड़ना कैसे अपनाए? वास्तव में इस समय जी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता जी, भले आपकी रचना है, आप उनको इतना दबाव में नहीं ला सकते कि आप जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ ऐसे आप चलो, क्योंकि समाज दूसरे रास्ते पर है और आप एक आध्यात्मिकता को अपना करके ईश्वरीय नियम और कायदों पर चल रहे हैं जी, कोई से अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी है, अगर ज्यादा अधिकार और अपेक्षाएं रखेंगे और वो पूरी नहीं होंगी तो तनाव पैदा होगा, डिस्टर्बेंस आएगी, इसलिए बुद्धि से वहाँ तोड़ देना है, संबंध निभाना है लेकिन अधिकार नहीं रखना, अधिकार माइनस कर दो। फिर भी भाई साहब इससे संबंधित बहुत सारे पहलू जीवन में सामने आते हैं, क्योंकि परिवार में यदि एक एक धारा पे चलता है और दूसरा दूसरी धारा पर चलते हैं तो बहुत सारी बातें बीच में हैं। भाई साहब इन पहलुओं के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। भाई साहब आज के इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आज हमने जाना कि यदि सच में हम अपने जीवन से कमियों को दूर करना चाहते हैं तो केवल दो शब्द याद रखें, एक है बिंदु और दूसरा सिंधु। यदि हम सदा स्मृति में रहते हैं कि
हम एक ईश्वरीय संतान, एक ज्योति बिंदु, एक आत्मा है और साथ में उस एक की स्मृति में रहते हैं, एकाग्र अवस्था में रहते हैं, उस एक की याद में समाए हुए रहते हैं, तो बहुत ही मुश्किल कार्य हमारे लिए सहज हो जाते हैं। आज हमने ये भी जाना कि सारा खेल केवल दो शब्दों का है, स्मृति और विस्मृति। स्मृति में रहते हैं तो संपूर्णता हमारे साथ है, और जैसे ही विस्मृति आती है तो वो हमें असंपूर्ण बना देती है, हमारी कमियों को उजागर कर देती है। आज के एपिसोड में हमने संगम के महत्व को भी जाना कि यदि आत्मा और परमात्मा का जब संगम होता है और उस समय हम ज्ञान को अर्जित करते हैं तो यही संगम, यही ज्ञान हमारे जीवन को पावन बना देता है, आत्मा को शुद्ध पवित्र कर देता है। आप भी इसी ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हुए जीवन को पवित्र बनाएं, जीवन में शुद्धता लेकर आएं। निशुभ भावनाओं के साथ हम आज के एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे और आपके जीवन के अनेक पहलुओं पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। संपूर्णता के लिए दो शब्द, मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। अपने को आगे बढ़ाने के लिए एक की याद और एक रस अवस्था, एक की हिम्मत और एक की ही कर्तव्य में मददगार बनना है। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे जाने की दरकार नहीं।